कहते हैं कि किसी का सपना टूटता ही इसलिए है कि दूसरे का सपना पूरा हो सके। ऐसा ही कुछ इस बार फीफा वर्ल्ड कप में हुआ। फुटबॉल के दो दिग्गज खिलाड़ियों में से एक का सपना टूटा तो वहीं दूसरे का पूरा हुआ। मतलब ये कि दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा तो वहीं अर्जेंटीना के कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ। इस जीत के साथ ही पूरा अर्जेंटीना जश्न में डूबा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह सड़कों पर निकलकर जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं जैसे ही अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप के साथ अपने देश लौटी, लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और इस जीत की खुशी ने अर्जेंटीना वासियों को पागल बना दिया है। मतलब अर्जेंटीना में जीत का जश्न खूब मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अर्जेंटीना ने अपने देश लौटने पर खिलाड़ियों को बस में सवार करके रैली निकाली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी खिलाड़ी बस में सवार हैं और लोगों की भीड़ उनके स्वागत में मौजूद है। इस बस रैली में लियोनेल मेसी भी बस में बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रैली के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बस के ऊपर खिलाड़ियों से मिलने के लिए छलांग लगा रहे हैं। वहीं एक जगह दिग्गज मेसी के साथ 5 खिलाड़ी भी बाल बाल बच गए। दरअसल हुआ ये कि बस रैली में बस की छत पर लियोनेल मेसी के साथ 5 और खिलाड़ी बैठे थे और लोगों का अभिवादन कर रहे थे कि अचानक बिजली का तार आ गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी बिजली के तार की चपेट में नहीं आया। मेसी और साथी खिलाड़ियों ने सही समय पर सिर झुका लिया और बिजली के तार की चपेट में आने से बच गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल करने का कमाल किया। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप का खिताब तीसरी बार जीतने में सफल हो गई है। इससे पहले 1978, 1986 के बाद 2022 में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। वैसे आप अर्जेंटीना के इस जीत पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।